बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं इंजीनियर विकास और मेरा ताल्लुक सोलोटेक सॉल्यूशन से है। व्यूअर्स, आज आप लोगों के लिए जो मैं वीडियो लेकर आया हूं, इसमें हम बात करने वाले हैं एक जो कॉर्डलेस ड्रिल होती है इसके बारे में। इसकी जो बैटरी है वो हम तैयार करने वाले हैं। ये हमारे पास एक कंप्लेन आई कस्टमर की जानब से। तो जैसा कि आपको मालूम ना होगा कि हम लिथियम आयन का जो है वो काम कर रहे हैं और इसमें भी लिथियम आयन की जो बैटरी है वो इंस्टॉल होती है। तो ये वाली कॉर्डलेस ड्रिल हमारे पास आई है एक कस्टमर की जानब से और उनका ये है कि इसके जो बैटरी वो हमने तैयार करनी, इनकी बैटरी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। आप देख सकते हैं मैं इसको चला रहा हूँ तो ये पावर अप नहीं हो रही। तो जो इसके अंदर बैटरी है 9.6 वोल्ट की, वो हमने तैयार करनी है। तो हम चेक करेंगे इसको और देखेंगे कि किस तरीके से हम इसकी बैटरी तैयार करते हैं, इसकी वर्किंग को देखेंगे। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो इसी पर मबनी होगी। आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जी व्यूअर्स, तो ये हमारे पास ड्रिल जो है इस कंडीशन में आई है। तो अभी हम इसको तैयार करने वाले हैं इसकी बैटरी को। तो बैटरी इसकी हम जो है वो खोलेंगे और चेक करेंगे कि ये हमारे पास जो है कौन सी बैटरी इस्तेमाल की गई और कितने इसको आउटपुट से तैयार करना है। तो कुछ इसके स्पेसिफिकेशन यहाँ पे हमारे पास लिखी हुई हैं। अगर मैं कैमरा मैन को कहूँ कि वो जूम करके आपको दिखाए तो वो दिखा देते हैं। ये 9.6 वोल्ट पे ये वर्क करेगी और BD4552 इसका मॉडल है। तो इसकी जो है हम बैटरी तैयार करेंगे। ये बैटरी जो है इसके अंदर से निकली है, जिसमें हमारे पास यहाँ टॉप वाली साइड पर दो टर्मिनल्स हैं, एक जो इंडिकेट कर रहा है प्लस को और दूसरा जो इंडिकेट कर रहा है नेगेटिव को। और 9.6 इसके ऊपर भी जो है प्रिंट हुआ हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको खोल लेते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि इसके अंदर जो पहले से बैटरी है वो किस किस्म की है। तो जल्दी से सबसे पहले हम जो है इसको खोल लेते हैं। खोलने के लिए इसके जो स्क्रूज़ हैं इसको जो है हम खोलेंगे। ये इसके स्क्रूज़ लगे हुए हैं हमारे पास, तो इसको यहाँ पर हम सबसे पहले अपने पास खोल लेते हैं। ठीक है, तो ये चार स्क्रूज हमारे पास जो हमारे पास इसके अंदर से निकले हैं। और इसके बाद जो पहले से इसके अंदर आउट है वो कुछ ये वाले सेल्स इसके अंदर से निकले हैं और इसके साथ कोई BMS किसी किस्म का इंस्टॉल नहीं हुआ और दो जो सेल हमारे पास यहाँ पे हैं। ठीक है, तो इसको जो है हम यहाँ से पहले निकाल लेते हैं। तो ये टोटल सेल, तो ये हमारे पास इसके अंदर से जो बैटरी निकली है। तो अभी हमारे पास जो बचा है वो एक हॉल है, इसके अंदर हम अपनी जो है बैटरी को तैयार करके डालेंगे लिथियम आयन की। तो ये रख लेते हैं, ये हमारे काम आएगा। तो ये डिस्कार्ड कर देते हैं। जी व्यूअर्स, तो ये हमारे पास आ चुके हैं सेल। ये सेल हम इस्तेमाल करने वाले हैं, ये 26 mAh के एक सेल है। और इसके बाद ये वाला जो BMS है 3S40 का, ये हम इस्तेमाल करने वाले हैं इसकी बैटरी को बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम जो सेल है उसकी वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी 3.6 नॉमिनल वोल्टेज पर हमारे पास ये सेल है। तो ये हमने ये बॉक्स अभी लिए इनको और ये भी 3.7 वोल्ट पे है। तो जल्दी से सारे सेल पहले चेक कर लेंगे। ये 3.3 वोल्ट पे है, ठीक है, और उसके बाद ही हमारे पास आ जाएगा 3.5 पे, ये इस्तेमाल कर लेंगे। और ये वाला सेल है 3.7 वोल्ट पे, ये भी हमारे काम पे आएगा। और लास्ट सेल जो है हमारे पास 3.2 वोल्ट पे। तो ये 6 सेल जो है हम इसको इस्तेमाल करने वाले हैं। दो सेल को हम 3S2P का इसमें सेट लगाएंगे और ये बैटरी बैंक तैयार करेंगे। तो हमारे पास ये जो है हमारे पास तैयार हो जाएगा 5 ampere hour का। तो इससे इसका जो बेहतरीन आउटपुट हमें मिलेगा। तो सबसे पहले हम इन सेल्स को स्पॉट वेल्ड कर लेते हैं। स्पॉट वेल्ड करके जो है हम इसकी बैटरी तैयार कर लेते हैं और बैटरी तैयार करके हम आपको मिलते हैं। बैटरी तैयार करने के लिए सबसे पहले जो है हम इनको पैरेलल कर लेंगे। पास ये 3 ग्रुप बन गए, इनको मैं सीरीज में करूँगा। तो ये मेरे पास पहले मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ। ये दो को मैं पैरेलल करूँगा और इस तरीके से जो हमारा बैंक बनेगा ये कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी 3S2P की।
और इस तरीके से मैं प्लेस करके जो है इस कैबिनेट है इसके अंदर हम इसको आसानी रख देंगे। आप देख सकते हैं इजीली इसके अंदर फिट हो जाएगा। और फिर जो ऊपर वाली साइड है टॉप वाली साइड पे, यहाँ पे हम अपनी बैटरी से दो केबल निकाल के टर्मिनल्स पे लगा देंगे और यहाँ पे प्लस और इस साइड पे नेगेटिव लगा के हम इसको इसके अंदर डाल देंगे। और यहाँ पे हमारे पास ये एग्जैक्ट टर्मिनल्स हम यूज़ कर सकेंगे जैसे कि पहले इस्तेमाल हो रहे थे। तो अभी हम इनको स्पॉट वेल्ड कर लेते हैं। स्पॉट वेल्ड के लिए हम स्पॉट वेल्डिंग मशीन का इस्तेमाल करेंगे। पहले जो पैरेलल ग्रुप है उनको वेल्ड कर लेते हैं और फिर इनको सीरीज़ में कन्वर्ट कर लेंगे। तो व्यूअर्स, ये स्पॉट वेल्डिंग मशीन से जो हम स्पॉट वेल्ड करने वाले हैं, तो इससे भी स्पॉट वेल्ड करेंगे हम अपने जो बैटरी बैंक है और फिर उसके बाद जो है हम उसको कन्वर्ट करेंगे पूरी बैटरी के अंदर। स्पॉट वेल्ड के लिए हम इन निकल स्ट्रिप का इस्तेमाल करने वाले हैं। इन स्ट्रिप्स को जो है हम इसके ऊपर स्पॉट वेल्ड कर देंगे इस तरीके से रख के। तो अभी हम इसको स्पॉट वेल्ड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे हम इसको और ये हमारे पास इस तरीके से इसको हम स्पॉट वेल्ड कर लेंगे। अच्छे से कर लेते हैं ताकि ये जॉइंट है वो अच्छे से लग जाए। तो ये हमारे पास इस तरीके से जो है स्पॉट वेल्ड हो चुके हैं सेल। इस तरीके से सारे सेट जो है हम स्पॉट वेल्ड कर लेते हैं। तो और उसके बाद इसको हम बताएंगे कि कैसे आपने इसको एक बैटरी में कन्वर्ट करना है। व्यूअर्स, ये जो सारे सेल्स हैं इस वक्त हमारे पास स्पॉट वेल्ड हो चुके हैं। इस तरीके से हमने इनको स्पॉट वेल्ड जो है कर लिया। अभी इनके जो वोल्टेज है दोबारा से चेक कर लेते हैं कि हमारे पास स्पॉट वेल्ड करने के बाद क्या वोल्टेज आ रही है। तो यहाँ पे मैंने इनको रख दिया और एक दफ़ा हम इनकी पैरेलल ग्रुपिंग के अंदर जो हमने की है इसकी वोल्टेज दोबारा से चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 3.2 वोल्ट पे ठीक हो गया और ये 3.6 वोल्ट पे ठीक है और ये 3.6 पे। तो ये हमारे पास हमने इनकी चेक कर ली। अभी हम इनको एक बैटरी के अंदर कन्वर्ट करना है। जैसे मैंने आपको कहा था ये 2P की कॉन्फ़िगरेशन में इस वक्त हमारे पास आ चुके हैं और अभी हमने इनको 3S करना है। तो आप देख सकते हैं मेरे पास जो टोटल क्वांटिटी इन ग्रुप्स की वो 3 है। तो मैं इन तीनों को अब सीरीज़ में कन्वर्ट कर दूँगा। मेरे पास ये 12 मोड का एक जो है बैंक तैयार करना हो जाएगा। तो सीरीज़ में आपको पता है कि प्लस को नेगेटिव साइड से कनेक्ट करना है। तो ये जो है इसको मैं इस तरीके से कन्वर्ट कर लूँगा। ये इस कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास 3S2P की कॉन्फ़िगरेशन है। इस तरीके से मैं इसको कर लूँगा। सबसे पहले जो है हम इसके ऊपर टेप कर लेते हैं। तो अभी हम इसके लिए दोबारा जो निकल स्ट्रिप्स हैं उनका इस्तेमाल करेंगे। ये प्लस को इधर इस साइड पे कनेक्ट कर देंगे और बॉटम वाली साइड से इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास 3S2P कॉन्फ़िगरेशन कम्प्लीट। हमारे पास 12 वोल्ट का एक बैंक जो है वो तैयार हो जाएगा। तो जल्दी से अभी हम इसके लिए जो स्ट्रिप्स वो ले लेते हैं। तो अभी हम इनको जो है स्पॉट वेल्ड कर लेते हैं बैटरी बैंक को अपने। इसके लिए हम इनको करेंगे प्लस को नेगेटिव साइड से कनेक्ट। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हम स्पॉट वेल्ड कर लेते हैं। यस, जैसे हमने ये कनेक्ट किया इसी तरीके से हम इस साइड पे भी जो है कनेक्ट कर लेंगे। जल्दी से कर लेते हैं स्पॉट वेल्ड। व्यूअर्स, ये हमारे पास स्पॉट वेल्ड हो चुका है। इसी तरीके से हम इस साइड पे स्पॉट वेल्ड कर लेंगे। तो ख्याल रखना है कि आप पैरेलल ना कर दें इनको, आपने सीरीज़ में करना है। तो एक ग्रुप हमारे पास ये सीरीज़ में हो चुका है, दूसरे ग्रुप को सीरीज़ में करेंगे। यहाँ पे ये स्पॉट वेल्ड जो है हम कर लेते हैं। तो ये इस वक्त मेरे पास हो चुका है स्पॉट वेल्ड। ठीक है, ये पूरा अब बैटरी पैक में कन्वर्ट हो चुका है।
तो अभी हम इसकी वोल्टेज चेक कर लेते हैं। वोल्टेज चेक करने के लिए हम अपने मल्टीमीटर का इस्तेमाल करेंगे और मल्टीमीटर को यहाँ पे मैं कर लेता हूँ ऑन। वोल्टेज आ रही 10.63। तो ये हमारा बेहतरीन जो है बैटरी पैक तैयार हो चुका है 3S के अंदर। अभी हम इसको जो है BMS लगाते हैं। BMS लगाने के बाद इसको हम जो इसके बॉक्स उसके अंदर क्लोज करके ड्रिल के साथ अटैच करते हैं। व्यूअर्स, तो ये BMS है, ये अभी हम इसके साथ इंस्टॉल करने वाले हैं। 20 एम्पीयर का ये BMS है और ये बैटरी बैंक हमने पहले तैयार कर लिया है, तो इसके साथ अभी हम ये BMS इसको लगाएंगे। और इसके कनेक्शन की वीडियोस पहले से चैनल पर मौजूद है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा वीडियो, वहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हैं किस तरीके से आपने इसको लिथियम आयन का जो पैक बनाएंगे उसके साथ कनेक्ट करना है। तो अभी मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। कनेक्ट करने के बाद इन टर्मिनल से हमारे पास आउटपुट वोल्टेज आ जाएगी और वो हम मीटर से चेक करेंगे। तो ये अभी इसको जो है पैक कर दिया गया है, बैटरी पैक हमारे पास कंप्लीट हो चुका है और इसके साथ हमने जो BMS है वो उसको अटैच कर दिया है। और BMS को ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पैक कर दिया। तो ये हमारे पास दो केबल, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आउटपुट की केबल्स हैं, तो अभी देख लेते हैं कि BMS से जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट करके चेक कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं एग्जैक्टली हमारे पास 10.63 जो पहले वोल्टेज आ रही थी वही वोल्टेज इस वक्त हमारे पास यहाँ पे आ रही है। जी व्यूअर्स, तो अभी मैंने इसके अंदर जो है इसका बैटरी पैक इंस्टॉल्ड कर दिया है, ठीक है। तो ये हमने बैटरी जो तैयार की है, तो अभी हम इसको चला के चेक कर लेते हैं। तो ये बेहतरीन जो है चल रहा है, प्लस आप इसकी स्पीड को भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये केबल्स हमने इधर चार्जिंग के लिए इसकी निकाल दी, यहाँ पे हम टर्मिनल लगा के इसको 12 मोड के सोर्स से चार्ज कर सकते हैं। तो अब ये एक रिचार्जेबल कॉर्डलेस ड्रिल जो हमारी तैयार हो चुकी है, अब हम ये कस्टमर को डिस्पैच करते हैं। और ये इस क्लॉकवाइज भी काम करती है और एंटी क्लॉकवाइज भी, और इसको आप यूज़ कर सकते हैं जो स्क्रूज़ हैं उनको टाइट वगैरह करने के लिए। तो अभी जो तैयार की हुई है जो हमारे पास कॉर्डलेस ड्रिल है, इसके साथ हम ये स्क्रू को जो है लगा कर चेक कर लेते हैं। ये इसमें फंक्शन है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको ड्रिल पे सेट कर लिया है और यहाँ पे हम इसको जो पेच है लगा के चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा पहले जो पेच है इसको हम ठोकेंगे, लगा लिया, ठीक है। और इसकी क्लच स्पीड थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, ठीक है। जब इसने स्क्रू को टाइट कर लिया, ठीक है। और अभी हम इसको जो है अनस्क्रू करते हैं। तो ये बेहतरीन तरीके से जो काम कर रही है। तो व्यूअर्स, ये जिस कस्टमर के लिए हमने तैयार की है अभी उसको डिस्पैच करेंगे। तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।